नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं जिस प्रोजेक्ट के बारे में, वो प्रोजेक्ट का नाम है एव होराइजन और डेवलपर हैं संध्या क्षितिज बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड। संध्या क्षितिज बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, ये डेवलप कर रहे हैं एव होराइजन कंदिवली वेस्ट में। आज इसी एव होराइजन के बारे में बात करूंगा इस पूरे वीडियो में। मैं विकास परनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास परनवाल में। आइए मैं दिखाता हूं, बिल्डिंग ऑलमोस्ट बन चुका है, ये 1 से 1.5 साल में पोजीशन है इसका, पूरा रेडी हो चुका है एलिवेशन। आइए पहले एलिवेशन, फ्लैट, एंट्रेंस, लॉबी वगैरह मैं दिखाता हूँ। और यहाँ का लोकेशन अब बहुत बढ़िया है, बहुत कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो ये पहले देखते हैं लाइव यहाँ पे किस टाइप का बना हुआ है, उसके बाद फिर मैं आगे डिटेल दूंगा इसका कि क्या साइज है, प्राइस है, कनेक्टिविटी फैसिलिटी ये सब कुछ मैं बताऊंगा। आइए पहले देखते हैं प्रॉपर्टी किस टाइप का है दोस्तों। प्राइम लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उतना ही बढ़िया इनका फ्लैट का फ्लोर प्लान है, लेआउट है, आप देख सकते हैं। ये इसका 2 BHK का लिविंग डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग भी बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बनाया है, लिविंग एरिया भी। मैं आपको जो व्यू दिखा रहा हूं ना, ये हायर फ्लोर से इसका व्यू है। ये सामने इसका लिविंग एरिया है और यहाँ से आप देखें ये डाइनिंग एरिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन इन्होंने किया हुआ है। डाइनिंग से कनेक्ट कर दिया है इन्होंने किचन को, किचन को आप चाहें तो ओपन किचन भी बना सकते हैं, बिकॉज ये ब्रिक वर्क है सामने का वॉल, तो ओपन किचन का कंसेप्ट आजकल बहुत जगह पर चल रहा है, तो उसके बेस पे अपने अपने फैशंस हैं। सर्विस प्लेटफॉर्म, गैस प्लेटफॉर्म, लास्ट में इसमें वॉशिंग मशीन का स्पेस और स्टार्ट में फ्रिज का स्पेस, किचन में एंट्री करते ही आपको मिल जाता है। माइक्रोवेव ओवन का भी जगह आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे मिल जाता है, तो डिपेंड है आपको किधर फ्रिज रखना है, किधर माइक्रोवेव रखना है, उसके अनुसार किचन को डिजाइन किया हुआ है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कॉमन वॉशरूम मिलता है। कॉमन वॉशरूम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अनफिनिश्ड है, इसमें प्लंबिंग वर्क नहीं किया हुआ है, इलेक्ट्रिक वर्क भी कंप्लीट नहीं किया हुआ है, कमोड नहीं लगाया हुआ है, बिकॉज किसी किसी बिल्डर में लगा देते हैं ना, तो लगाने के बाद इशू ये हो जाता है कि लेबर लोग यूज करके गंदा कर देते हैं। इसी कारण से बहुत सारे डेवलपर फ्लैट का पोजिशन देते हैं तो वो लगा के देते हैं, जब तक आपका पेमेंट करते हैं, आप बुकिंग करते हैं, प्रोसेस होता है, तब तक 5 से 10 दिन में वो फिनिश करके दे देते हैं, नहीं तो क्या कमोड वगैरह काला पीला हो जाता है यूज करके। इसके लिए काफी सारे डेवलपर को मैंने देखा है कि वो फिट नहीं करते, बट इनका जो एक्चुअल सैंपल फ्लैट है ना, उसमें ये सब कुछ लगा के रखते हैं ताकि पब्लिक को एक आइडिया आ जाए कि किस तरह का मटेरियल यूज करने वाले हैं। और वॉशरूम के सामने ही ये कॉमन बेडरूम है जो मैंने आपको दिखाया। अब हम चलते हैं इसका मास्टर बेडरूम देखते हैं। जनरली 2 BHK में यही कंसेप्ट रहता है, एक कॉमन बेडरूम, एक मास्टर बेडरूम, एक कॉमन वॉशरूम, लिविंग डाइनिंग एरिया। तो ये इसका मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम का स्पेस भी आप देख के समझ ही रहे हैं कि क्या स्पेस, बढ़िया कारपेट एरिया दिया हुआ है। मैं आगे आपको समझाऊंगा जब मैं डिटेल में आऊंगा तब, क्योंकि वो सब डिटेल वाले स्क्रिप्ट में ही रहता है। तो ये विंडो के साइड से वॉशरूम और वार्डरोब का एरिया मिल रहा है, ये इसका वॉशरूम है। इसके अंदर थोड़ा कुछ यूटिलिटी एरिया दिया हुआ है लेकिन आप यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हायर पे है, छोटा विंडो सिर्फ वेंटिलेशन के हिसाब से दिया हुआ है वॉशरूम में। ये अंदर से पूरे फ्लैट का व्यू है, आप ये व्यू से अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्लैट का कारपेट एरिया कितना ही अच्छा होगा। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इसका दूसरा फ्लैट दिखाता हूँ। ये इसका पैसेज है, पैसेज में 2 हाई स्पीड लिफ्ट, स्टेयरकेस रहेगा। ये पूरी तरह से फिनिश नहीं है बट जैसा है वैसा एज इट इज मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप स्पेस समझ में आ जाए, क्योंकि बनने के बाद, फिनिशिंग होने के बाद तो इसकी ब्यूटी आपको दिखेगा।
ये इसका 2 BHK का बड़ा साइज एरिया है। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाता हूँ, आप देख लें। वैसे तो मैंने फ्लैट आपको समझा ही दिया है, ये इसका लिविंग एरिया है। ये बाहर का व्यू है इसका। अभी यहाँ से जब आप आगे जाते हैं तो आपको डाइनिंग एरिया मिलता है। डाइनिंग के सामने एक ओपन किचन का कंसेप्ट मिलता है। ओपन किचन चाहे तो आप जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं, कवर्ड भी कर सकते हैं। सामने से एक ग्लास खड़ा कर देंगे तो ये पूरा का पूरा कवर्ड किचन बन जाएगा। अंदर आपको काफ़ी बड़ा स्पेस मिल रहा है फ्रिज के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए, फ्रिज के लिए और माइक्रोवेव के तो स्टार्ट में भी आपको एक अच्छा खासा जगह मिल रहा है। और इसके बाद ये पहला कॉमन बेडरूम है। और इसके बाद मैं आपको मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ किस टाइप का है। एक ब्यूटीफुल बात ये है दोस्तों कि किचन के सामने ही ये डाइनिंग है। आप देखें तो डाइनिंग के सामने कोई वॉशरूम वगैरह नहीं है। आगे से लेफ्ट लेते हैं तो आपको राइट हैंड साइड में कॉमन वॉशरूम मिलता है, उसके बाद फिर आपको मास्टर बेडरूम मिलता है। इसका मास्टर बेडरूम है, एंट्री करते ही आपको राइट हैंड साइड पे इसका वॉशरूम मिल रहा है मास्टर बेडरूम का। आगे मास्टर बेडरूम का स्पेस है। इसके बाद मैं आपको 3 BHK दिखाता हूँ किस टाइप का है। 3 BHK आप ज़रूर देखें बिकॉज बहुत बढ़िया इसका साइज दिया हुआ है। अगर आप जॉइंट फैमिली हैं या अपने कंबाइंड फैमिली के साथ रहना चाहते हैं या फिर छोटे फैमिली हैं और बड़े एरिया में रहना चाहते हैं तो आपके लिए ये मालाड वेस्ट का एरिया में बहुत ही ब्यूटीफुल प्लानिंग के साथ इन्होंने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। साथ ही साथ लोकेशन काफ़ी बढ़िया है इसका। ये तो मैंने आपको 2 BHK दूसरा बड़ा दिखाया, अब चलते हैं इसका 3 BHK देखते हैं किस टाइप का है। ये अंदर से जब हम निकलते हैं तो इस टाइप का इसका फ्लैट का व्यू है। ये जो मैं आपको फ्लैट दिखा रहा हूँ ना 3 BHK का, ये फुली फर्निश्ड है, यानी कि बिल्डिंग के अंदर ही ये फ्लैट है। बट ये इसमें बिल्डर ने दिखाया है, डेवलपर ने, कि क्या है फर्नीचर करने के बाद भी क्या आपको फ्लैट के अंदर जगह मिलता है। एक लग्जरियस बड़े सोफा रखने के बावजूद भी काफी अच्छा खासा स्पेस आपको मिल रहा है यूटिलाइज करने के लिए। या आप लिविंग डाइनिंग एरिया देख सकते हैं। इन्होंने तो डाइनिंग टेबल छोटा रखा है बट आप चाहें तो 8 से 10 लोगों का भी डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। ये बिल्कुल किचन से, ओपन किचन से कनेक्टेड है। आगे वॉशिंग मशीन का स्पेस दिया हुआ है। स्टार्ट में फ्रिज का स्पेस लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये देख सकते हैं, ये काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है माइक्रोवेव के लिए। और ये मैं आपको पहला बेडरूम दिखा रहा हूँ। जनरली 3 BHK के जो कंसेप्ट होते हैं उसमें आप देखें तो 2 मास्टर बेडरूम मिलता है आपको और एक कॉमन बेडरूम मिलता है। कॉमन बेडरूम, गेस्ट बेडरूम, किड्स बेडरूम, सब लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं। ये जो है आपको कॉमन बेडरूम है, यानी कॉमन बेडरूम इन द सेंस आपको अटैच्ड वॉशरूम नहीं मिल रहा है। इसके बाद मैं आपको 2 मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। ये इसका कॉमन बेडरूम हमने देखा, ये आप देख सकते हैं विंडो के साइड से मैं आपको दोनों बेडरूम दिखा रहा हूँ। इसका मास्टर बेडरूम देख लें। ये इसका कॉमन वॉशरूम था, इसके बाद ये इसका मास्टर बेडरूम है। एंट्री करते ही आपको राइट हैंड साइड पे वॉशरूम मिल रहा है। इसके बाद आप मास्टर बेडरूम का स्पेस देख लें।
अगर कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है, कुछ अगर चीज़ें अधूरी रह जाती है, तो आप मुझे फ़ोन करें मेरे ऊपर दिए हुए नंबर पे। इसमें मैं और हमारी टीम पूरी हेल्प करेंगे आपको प्रॉपर्टी परचेस करने में, या कुछ डिटेल जानना हो वहाँ का डिस्काउंट स्कीम क्या है, वहाँ का ऑफ़र क्या है, ये सब समझने में, तो उसमें मैं और मेरी टीम पूरी हेल्प करेंगे दोस्तों। वैसे तो एक बार बता दें, कभी भी आप प्रॉपर्टी खरीदने, अभी काफ़ी सारे लोग मेरे वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदने चले जाते हैं, इस चक्कर में कि उनका कुछ इंसेंटिव या ब्रोकरेज बच जाएगा या चैनल पार्टनर की फीस बच जाएगा। फर्स्ट ऑफ थॉट ये समझ लें दोस्तों कि बिल्डर को इतना फुर्सत नहीं है कि वो बैठ के एक एक फ्लैट बेचें, 2,000-3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि वो सेल्स टीम को हायर करते हैं या फिर किसी को सोल सेलिंग देते हैं बेचने के लिए। सोल सेलिंग केस में भी उनका 5-6% इंसेंटिव जाता है, सेल्स टीम भी उनका इंसेंटिव जाता है। ये इसका बाहर से व्यू है मेन रोड का और बाहर से एलिवेशन है इसका। तो जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं ना, तो सेल्स टीम को भी टारगेट रहता है कि अगर 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 500 करोड़ के बदले अगर 600 करोड़ का कलेक्शन करते हैं तो उनको भी 10% का इंसेंटिव रहता है, और वो इंसेंटिव कमाने के चक्कर में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस ले लिया जाता है। ये इसका एंट्रेंस लॉबी है। एंट्रेंस लॉबी आप देखें तो बहुत ही बढ़िया लग्जरियस स्टाइल में बनाया है। एंट्रेंस लॉबी जब आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते हैं ना, तो बहुत मायने रखता है कि लुक क्या है। फर्स्ट कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो एंट्रेंस लॉबी और मेन एंट्रेंस बहुत मायने रखता है। ये इसका स्टेयरकेस एरिया है, इसके बगल में भी इसका दूसरा विंग बन रहा है। अभी जो आपको हमने दिखाया है एव होराइजन का, जो बिल्डर है इनका संध्या क्षितिज बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड, इसका मैं डिटेल आपको बता दूं कि क्या इसका प्राइजिंग साइजिंग वगैरह है। 2 एकड़ का इसका पूरा लैंड एरिया है और SRA प्रोजेक्ट है। 20 माले की बिल्डिंग है, 2 विंग की सोसाइटी है ये। हर एक फ्लोर पे 5 फ्लैट, 2 हाई स्पीड लिफ्ट और 1 स्टेयरकेस है। 4 लेवल इसका पोडियम पार्किंग है। रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है 5th लेवल से। अगर आप रेरा में डिटेल जानना चाहते हैं इसका, तो इसका रेरा नंबर है P518-000-27472 और रेरा में पोजीशन डेट इसका 2024 का है, दिसंबर 2024 का है, बट बिल्डर पोजीशन आपको जून 2023 में दे देंगे। बिल्डर तो आप देख ही चुके हैं, बिल्डिंग ऑलमोस्ट बन के रेडी है, फिनिशिंग भी ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा कुछ बाकी है तो वो आपको आने वाले 1 साल में बना के दे देंगे। बिकॉज 1 साल का एक्स्ट्रा प्रोविजन लेके चलते हैं, क्योंकि इनको पेनाल्टी नहीं आए पे करने के लिए। आजकल वो हर एक बिल्डर का एक कॉमन थिंग्स हो गया है कि अगर 23 में उनको पोजीशन देना है तो 24 का परमिशन लेके चलते हैं वो लोग। सीसी पूरे बिल्डिंग का रिसीव्ड हो चुका है, सिटी व्यू और ग्लोबल विपश्यना पैगोडा व्यू फ्लैट है ये। लोकेलिटी ज्यादातर इसमें हिंदू हैं और सभी बैंकों से अप्रूव्ड है। किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें तो SBI, HDFC, LIC किसी भी बैंक से लोन हो जाएगा। मल्टीपल बैंक से इसका APF भी किया हुआ है। एक बात याद रखें दोस्तों, जो प्रोजेक्ट रेरा में अप्रूव्ड हो, APF किया हुआ हो, तो उसमें ईजिली कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो टाइटल बिल्कुल क्लियर होता है, वहाँ पे आप ईजिली परचेस कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और भी कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमें फोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे। कॉन्फ़िगरेशन इसमें 2 BHK की प्रॉपर्टी है और 3 BHK की प्रॉपर्टी है। 2 BHK इसमें 646 यानी 646 स्क्वायर फुट का है और 630 स्क्वायर फुट का है, जिसका प्राइजिंग 160 से स्टार्ट है और 185 तक है। दोनों फ्लैट की बात कर रहा हूँ, 160-185 तक। तो एग्जैक्ट प्राइस तो हम लोग अभी ऑनलाइन अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं, एक आपको पिक्चर दे देते हैं कि इतने के आसपास प्रॉपर्टी है वहाँ पे। डिटेल जानने के लिए आप मुझे फोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे, तो उसमें हम प्रॉपर आपको फोन पे बता देंगे। दूसरा जो 3 BHK की प्रॉपर्टी है वो 765 स्क्वायर फुट का है, 765 स्क्वायर फुट का है और जिसकी प्राइस 185 से लेकर 2 करोड़ के बीच में है, 1,85,00,000 से लेकर 2 करोड़ के बीच में है। तो ये भी एक टेंटेटिव प्राइस हमने दिया है आपको, इसके ऊपर गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन वगैरह लगेगा दोस्तों। ये तो मैंने प्राइसिंग बताया, फाइनल प्राइस पहले मैं अपने वीडियो में दे दिया करता था, लेकिन आज के वीडियो में जो मैं नए बना रहा हूँ इसमें नहीं दे पा रहा हूँ, बिकॉज काफी सारे बिल्डर अलग अलग डेवलपर से आर्गुमेंट हो चुका है कि आप फाइनल प्राइस वीडियो में ना दें, तो इसके लिए मैंने आपको एक फिगर दिया है। एग्जैक्ट प्राइस और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे फोन करें। एमिनिटीज
इसमें बता दूं, इसमें योगा, मेडिटेशन एरिया, स्विमिंग पूल, पार्टी हॉल, जेक्यूजी, गार्डन, मिनी थिएटर, क्लब हाउस, बैडमिंटन कोर्ट, ये सब इसमें एमिनिटीज है। अब इसमें आपको एक चीज और जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आसपास में क्या चीजें। यहाँ पे 5 से 10 मिनट के अंदर आप पवार पब्लिक स्कूल, न्यू इंग्लिश स्कूल, एकवीरा एमजी जूनियर कॉलेज, बीएमसी हॉस्पिटल, फ्योनिक्स हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, चारकोप पुलिस स्टेशन, ओंकारेश्वर मंदिर, चारकोप मार्केट, डी मार्ट, ये सब बिल्कुल आपके आसपास में ही स्कूल से 5 से 10 मिनट के अंदर आप रीच कर जाते हैं। 15 से 45 मिनट के अंदर मेपल हाईवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, आनंद नगर सबवे, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैक्सिस सिनेमा, कर्निवाल सिनेमा, ग्लोबल 101 मॉल, इंटरप्रेस शॉपिंग सेंटर, क्रोमा, ये सब आप 15 से 45 मिनट के अंदर आप रीच कर जाते हैं। ये तो मैंने आपको यहाँ का कनेक्टिविटी बताया है कि आसपास में क्या चीजें हैं, और अगर कुछ डिटेल आप जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। होम लोन में भी हम लोग डील करते हैं। होम लोन में भी अगर आपको प्रॉपर्टी परचेस करते हैं और होम लोन का कोई सोर्स नहीं है तो आप हमें फोन करें, तो उसमें भी हम आपको हेल्प कर देंगे कि होम लोन का सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। मैं और मेरी टीम पूरा उसमें भी आपको मदद कर देंगे होम लोन करने में। काफी सारे लोग मेरे वीडियो देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बिल्डर के पास। उनको ऐसा लगता है कि उनका ब्रोकरेज बच जाएगा, सीपीस का फीस बच जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो डायरेक्ट बैठ के बेचे अपने प्रॉपर्टी को। किसी न किसी को वो हायर करता ही है प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। उनकी हाईली स्किल्ड सेल्स टीम होती है जो अच्छा खासा उनको एक अच्छा सैलरी लेती है और कमीशन भी साथ साथ लेती है। तो अब डायरेक्ट जब प्रॉपर्टी जाते हैं ना परचेस करने के लिए, तो एक उनके सेल्स टीम के मन से ये फियर निकल जाता है कि मैं इनको क्या प्राइस दूंगा। कोई बीच में आर्ग्यूमेंट करने वाला नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। जो भी उनका कोटिंग प्राइस होता है, जो होर्डिंग बोर्डिंग लगता है, जो ऑनलाइन प्राइस वो रिवील करते हैं और जो वो प्राइस क्लोज करते हैं, इसमें एक अच्छा खासा अमाउंट का डिफरेंस होता है। तो आप एक बात ये जान के रखें कि जब आप सीपी के साथ जाते हैं ना प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, तो सीपी को पता होता है कि एक्चुअल वहां का प्राइस क्या है। वो इस सब्जेक्ट में आपको बहुत हेल्प करता है। 5-5, 10-10 लाख रुपया मैंने बचाया है कई बार कस्टमर को लाइव। जब मैंने बुकिंग कराया है तब देखा मैंने कि बगल वाले कस्टमर से जो प्राइस लिया गया और मेरे कस्टमर से जो मैंने प्राइस दिलवाया काफी डिफरेंट था। और ये मैं आज का नहीं, करीबन 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं दोस्तों। जब आप बिल्डर के पास डायरेक्टली चले जाते हैं और एक बार टैग हो जाते हैं ना, तो 3 से 6 महीने के लिए टैग हो जाते हैं। बिल्डर का, डेवलपर का कहना ये कि हमारे डायरेक्ट कस्टमर हैं, आप इंटरफेयर ना करें प्राइस के मामले में, डिस्काउंट के मामले में। एक बार याद रखें, कभी भी आप प्रॉपर्टी परचेस करने जाएं तो सीपी को फर्स्ट टाइम साथ में लेके जाएं। आपको ये पता ही नहीं है कि वहां पे एक बार आप टैग हो जाएंगे तो बाद में सीपी भी आपके लिए प्राइसिंग के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो साथ में फर्स्ट टाइम आप लेके जाएं। दूसरा, आपको वहां पे डिस्काउंट क्या है, स्कीम क्या है, ऑफर क्या है, ये भी पता नहीं होता है। कभी कभी तो स्टैंप ड्यूटी ऑफ रहता है और आपसे ले लिया जाता है, आपको मालूम ही नहीं है। तो पैसा किसी को काटता नहीं, ऐसा सीधा सीधा आपसे ले लिया जाता है कि इसका स्टैंप ड्यूटी 10 लाख रुपए आपको पे करना है। कभी कभी प्रीफर लोकेशन चार्ज पीएलसी ऑफ रहता है, कभी कभी फ्लोराइज ऑफ रहता है। ये सब अगर आपको पता ना हो ना, तो सीधा सीधा 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया इस चीज के नाम पे ले लिया जाता है। इसमें भी सीपी आपको हेल्प करते हैं। एक प्रोफेशनल जो लोग होते हैं ना, वो प्रोफेशनल्स की कीमत प्रॉपर जानते हैं। जो लोग जीवन में कभी कभार 10 साल, 20 साल, 5 साल में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि क्या एक्चुअल गेम होता है। लेकिन जो लोग हमेशा 2 साल, 3 साल में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते रहते हैं, उनको पता होता है कि सीपी या फिर डीलर को ले जाने में क्या फायदा है। उन्हें पता होता है कि क्या यहाँ पे डिमांड सप्लाई होगा, मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्या सस्ता क्या महंगा समझ में आएगा। एक प्रोफेशनल के साथ काम करने के बाद आप सही तरीके से समझ पाते हैं कि उस काम को कैसे अंजाम देना है। इन्वेस्टर को देखेंगे तो हमेशा वो किसी न किसी को साथ में लेके, भले उनके पास प्रॉपर्टी का नॉलेज डायरेक्टली उन्होंने कहीं से लिया हो, ऑनलाइन लिया हो, ऑफलाइन लिया हो, किसी के रेफरेंस से लिया हो, लेकिन वो अपने किसी ऐसे पर्सन को साथ में जरूर लेके जाते हैं जिन्हें पता होता है उस प्रॉपर्टी के एबीसीडी के बारे में, कि क्या चल रहा है, प्राइस वहाँ का, डिमांड सप्लाई क्या होगा, फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी का प्राइसिंग कहाँ जाएगा और क्या होगा। दोस्तों, किसी न किसी को साथ में जरूर लेके जाएं। आपके पहचान में, जान में कोई नहीं हो तो आप हमें फोन करें, हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे। मैं और मेरी टीम आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि हम लोग जिसको भी प्रमोट करते हैं इंटरनली जानते हैं वहाँ का बॉटम प्राइस क्या है, वहाँ का स्कीम, डिस्काउंट, ऑफर क्या है, क्या वहाँ डिमांड सप्लाई आएगा, प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ओवरऑल सब कुछ जानकारी रखने के बाद ही हम उसका प्रमोट करते हैं। तो आप ये बात जरूर समझ लें, किसी भी प्रॉपर्टी में बुकिंग करने जाएं तो सीपी को जरूर साथ में लेके जाएं। और भी आगे आप हमारा सर्विसेज सुन लें, क्या क्या सर्विसेज के जरिए हम अपने कस्टमर्स को सस्ते में प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, हमारे सर्विसेज की बात करूं तो हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन में भी डील करते हैं, होम लोन भी दिलाने में पूरी हेल्प करते हैं। आप हमसे प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहें, हमारे सारे बैंकों से टाइप है, हमारे पर्सन आपके डोर टू डोर सर्विसेज देते हैं। आपको अगर लोन भी लेना है तो हम आपको डोर टू डोर सर्विसेज, डॉक्यूमेंटेशन रिसीव करेंगे, आपका लोन का पूरा काम करवा के देंगे, उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। दोस्तों, साथ ही साथ हम लोग न्यू लॉन्चिंग बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं। बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है, कभी कभी सीधे 40-50% डिस्काउंट पे भी आती है।
जाती है, ऐसा हमने काफी लोगों को प्रॉपर्टी दिलाया है। जिस तरह आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं उस तरह हजारों लाखों लोग हमारा ये वीडियो देखते हैं। अगर उन्हें कोई अर्जेंट सेल में प्रॉपर्टी सेल करना रहता है, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, जिस टाइप की प्रॉपर्टी हो, किसी भी लोकेशन में हो, वेस्टर्न लाइन में या हार्बर लाइन में, तो वो हमें कॉल करते हैं कि भाई हमारा प्रॉपर्टी सेल करना है और क्योंकि हमें पैसे की बहुत जरूरत है। हम पहले उनको देख लेते हैं, अगर प्राइस रीजनेबल रहता है, प्रॉपर प्राइस रहता है, तो हम उनको प्रमोट करके सेल भी कर देते हैं। ऐसे हमारे पास कभी फायदे में भी प्रॉपर्टी आती है जो हमें बेचना होता है, तो हम सेल करते हैं। और ऐसे प्रॉपर्टीज को सबसे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल्स पे डालते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को, हमारे कस्टमर्स को, हमारे बायर्स को जल्द से जल्द उसका बेनिफिट हो सके। दोस्तों, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जब हमारे पास आती है 30-40% 50% डिस्काउंट पे, तो ऐसे जो फायदे वाली प्रॉपर्टी होती है, यानी जो बेनिफिट वाली प्रॉपर्टी होती है, बिल्डर जब कोई प्रॉपर्टी लॉन्च करते हैं तो उस टाइम एक अच्छा खासा उनका डिस्काउंट रहता है। कभी कभी तो रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट रहता है, कभी GST डिस्काउंट रहता है, कभी फ्लोराइज नहीं रहता, तो कभी PLC नहीं रहता। ऐसे कुछ ना कुछ उनके ऑफर्स चलते हैं जब वो लॉन्च करते हैं, अच्छा खासा उनका एक डिस्काउंट प्राइस होता है, बिकॉज स्टार्टिंग में उनको बेस बनाने के लिए पैसों की बहुत जरूरत रहती है और वो पैसे को नीड को फुलफिल करने के लिए बिल्डर अच्छे प्राइस में लॉन्च करते हैं। ये लॉन्चिंग प्राइस बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी, रीसेल में जो अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है, वो सब प्रॉपर्टी के हमेशा अपडेट मैं अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में डालता रहता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि जब भी कोई ऐसे फायदे वाली प्रॉपर्टी मैं अपने चैनल पे डालूं, सबसे पहले उसको आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, आप उसको परचेस कर सके, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सके, आप उसमें फायदा कमा सके दोस्तों। और अगर आप ज्यादा यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं कभी अगर रहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9619871855, हमारा दूसरा नंबर है 8070807099। दोनों नंबर हमारे व्हाट्सएप पे भी हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पे आपका नाम, नंबर, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट ये सब पिंग कर दें, लिख के भेज दें। जब भी हमारे पास आपके रिक्वायरमेंट के रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी आती है, तो हम आपको शेयर भी करते रहेंगे। उसका बेनिफिट ये होगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप उसका जल्द से जल्द बेनिफिट ले पाएंगे। ऐसे काफी सारे लोगों को मैंने फायदा कराया है प्रॉपर्टी में, लॉन्चिंग प्रॉपर्टी में, ऑक्शन की प्रॉपर्टी में, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी में 10-10, 20-20 लाख, 30-30 लाख रुपया हमारी ओर से कस्टमर को हमने बेनिफिट दिया है। जब अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है तब। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें आपके फैमिली और फ्रेंड्स में। आपको प्रॉपर्टी परचेस करना है दोस्तों, आप हमें जरूर हमारे इस नंबर पे कॉल करें, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे प्रॉपर्टी परचेस कराने से लेकर टिल पोजीशन तक, होम लोन तक, सारा कुछ हेल्प करेंगे दोस्तों प्रॉपर्टी परचेस करवाने में। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट प्रोजेक्ट में नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।